हेलो दोस्तों, मैं मोहन पोखरियाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम अप्लायंसेस इंडिया में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं होम अप्लायंसेस रिलेटेड वीडियो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं IB सेनेटर WSX मॉडल का अनबॉक्सिंग का वीडियो, तो चलिए देखते हैं ध्यान से। दोस्तों आप देख सकते हो, ये है सेनेटर WSS मॉडल। ये अभी रिसेंटली मार्केट में नया मॉडल आया है IFB का। ये इसका ड्रम है, ये इसकी स्टार रेटिंग दी हुई है कंपनी ने। लुक में भी बहुत प्रीमियम लुक दिया है कंपनी ने इसका। अगर हम वारंटी की बात करें तो 4 ईयर की 100% वारंटी है और कंपनी इसमें 10 ईयर का स्पेयर पार्ट सपोर्ट दे रही है। इसका ड्रम ओपन करके देखते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पूरा SS का ये ड्रम है। क्वालिटी वाइज नो डाउट दोस्तों काफी बेहतरीन है। ये जो आप नोजल देख रहे हैं दोस्तों, ये स्टीम के लिए है, यहां से स्टीम आएगा इस पे। आइए अब इसके प्रोग्राम को समझते हैं डिटेल में, तो हम ऑन करते हैं इस मशीन को। ऑन करते ही देखिए दोस्तों क्या डिस्प्ले दिख रहा है इसका, शानदार। तो जैसे कि आप यहाँ प्रोग्राम सेक्शन में देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन है। तो जो सबसे पहला प्रोग्राम दिया है कंपनी ने, यह है एक्सप्रेस 15। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप 2 kg के कपड़े इस पर डाल सकते हैं, 800 RPM में काम करेगा, 15 मिनट का ये प्रोग्राम है। तो दोस्तों ये उन कपड़ों के लिए होता है जिनकी क्वांटिटी कम है और जो बहुत कम गंदे हैं, तो उन वाले कपड़ों को आप इस पर वॉश कर सकते हो जो कि कम गंदे हैं। दूसरा प्रोग्राम है सिंथेटिक। सिंथेटिक की टाइमिंग 1 घंटा 53 मिनट है, 3.5 किलो आप कपड़े इसमें आप धो सकते हो, 800 RPM में स्पिन करेगा। और साथ में यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि डिले स्टार्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, टाइम सेवर का ऑप्शन मिल जाएगा, रिंस होल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। एक्स्ट्रा आप रिंस करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा रिंस कर सकते हैं। सोकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो सोकिंग कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप प्री वॉश करना चाहते हैं तो आप प्री वॉश को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बल्की दोस्तों, बल्की प्रोग्राम है नेक्स्ट। इसमें आप 2 kg तक के कपड़े वॉश कर सकते हैं, 600 RPM में स्पिन करेगा, 1 घंटा 12 मिनट इसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट है एंटी एलर्जन, तो ये दोस्तों 3 kg के आप इसमें कपड़े वॉश कर सकते हो, 800 RPM में स्पिन करेगा, 2 घंटे 12 मिनट का इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। जो ऑप्शन आप साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, आप चाहें तो इन ऑप्शंस को साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन वाले बटन से और ये सेलेक्ट वाले बटन से। नेक्स्ट है वूलन, ये 54 मिनट का प्रोग्राम है, जो 2 किलो आप कपड़े आप इसमें वॉश कर पाओगे, 800 RPM ये स्पिन करेगा। नेक्स्ट है रिंस प्लस स्पिन, आप अगर रिंसिंग और स्पिनिंग करना चाहते हैं खाली, तो आप खाली रिंसिंग और स्पिनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है टब क्लीन, जो कि 1 घंटे 50 मिनट का प्रोग्राम है। ये बेसिकली होता है मशीन की सर्विसेज के लिए, अगर आप लगातार कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो मशीन को तो आपको टाइम टू टाइम टब क्लीन करते रहना चाहिए, ताकि इसमें जितना लिंट अटका हुआ है, जितनी भी स्केलिंग हो रखी है, वो सारी निकल जाए और मशीन की परफॉर्मेंस बरकरार रहे दोस्तों। नेक्स्ट प्रोग्राम दिया है यहाँ मिक्स डेली। मिक्स कपड़े जो कि आप डेली वॉश करते हो तो वो आप इस पर वॉश कर सकते हो, 1 घंटा 31 मिनट इसमें टाइम लगेगा, 3.5 किलो कपड़े आप इसमें वॉश कर सकते हैं, 1000 RPM में स्पिन करेगा। और साथ में आपके लिए ये ऑप्शन आ रहे हैं, आप जो जो इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो कोल्ड वॉश कर सकते हो, चाहे तो 20 मिनट का टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रोग्राम है कॉटन का, तो कॉटन का जो टाइमिंग है दोस्तों वो 2 घंटे 57 मिनट है, 1000 RPM में स्पिन करेगा। आप पूरा 8 kg कपड़े इस पर वॉश कर सकते हो और साथ में जो जो ऑप्शन आप यहाँ पे ब्लिंक करते हुए देख रहे हो, आप इनको सबको सेलेक्ट कर सकते हो। टेम्परेचर भी इस पर आपका 95 तक चले जाएगा, क्योंकि कॉटन के कपड़े इतना टेम्परेचर आराम से झेल सकते हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे 95 तक का टेम्परेचर शो कर रहे हैं। बेबी वेयर, बच्चों के कपड़े, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 kg के कपड़े इस पर वॉश होंगे, 800 RPM में स्पिन करेगा, 2 घंटे 25 मिनट इसमें टाइम लगेगा दोस्तों।
टेम्परेचर 40-60 है या कोल्ड है, और साथ में ऑप्शंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये नया प्रोग्राम दिया है कंपनी ने, पावर स्टीम। तो पावर स्टीम में दोस्तों दो बार स्टीम रन करेगी, आधे घंटे का ये प्रोग्राम होगा, 800 RPM में इसमें आपके कपड़े स्पिन होंगे। तो ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, बेसिकली कपड़ों को स्टीम के थ्रू वॉश करने के लिए दिया गया है। इसमें मेन वॉश भी काम करेगा और स्टीम भी रन करेगा। नेक्स्ट है रिफ्रेश। तो रिफ्रेश प्रोग्राम में भी सिर्फ स्टीम रन करता है दोस्तों, ये भी आधे घंटे का प्रोग्राम है। 1 किलो तक के कपड़े आप रिफ्रेश कर सकते हो, जैसे कि लंबे टाइम तक कबर्ड में रखे हुए कपड़े हैं, अगर आप वो स्मेल कर रहे हैं, साफ़ हैं पर स्मेल कर रहे हैं, आप उन कपड़ों को इसमें डाल के वॉश कर सकते हो। तो 1 किलो तक के कपड़े आप इस पर वॉश कर सकते हो, हर तरह की स्मेल को ही आउट कर देगा। नेक्स्ट है कॉटन इको प्लस दोस्तों। तो कॉटन इको प्रोग्राम में टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, जैसे कि आपने नॉर्मल कॉटन में देखा था वहाँ पर 95 जा रहा था, यहाँ पे कॉटन इको में आप 40 और 60 कर सकते हैं। तो इस पर आपका 2 घंटे 30 मिनट टाइम लगेगा, पर आपको वॉश क्वालिटी मिलेगी पूरी कॉटन वाली। वो क्यों मिलेगी? क्योंकि इस वाले प्रोग्राम में टाइमिंग ज़्यादा लग रही है, टेम्परेचर कम है बट टाइमिंग ज़्यादा लग रही है। तो टाइमिंग ज़्यादा लगने की वजह से वो आपको सेम वही वॉश क्वालिटी दे देगा जो कि आपको 95 में मिल रही थी। इसमें आपकी बचत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि यहाँ पे हीटर कम रन कर रहा है, इस वजह से इसको नाम दिया गया इको प्लस। ठीक है, इको का मतलब होता है इकोनॉमिकल। नेक्स्ट है क्रेडल वॉश। दोस्तों ये IFB का अपना पेटेंटेड प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ TM लिखा हुआ है साइड में। TM का मतलब होता है ट्रेडमार्क। ये उन डेलिकेटेड कपड़ों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, जिनको आपको ड्राई क्लीन के लिए देना होता है, आप उन कपड़ों को भी इस पर वॉश कर सकते हो। ये IFB का अपना पेटेंटेड प्रोग्राम है, IFB के अलावा इसे कोई भी दूसरा ब्रांड यूज़ नहीं कर सकता दोस्तों। तो ये है इस मशीन के प्रोग्राम की डिटेल। अगर हम बात करें तो मॉडल नेम है सेनेटर WSS 8KG 1400 RPM, यानी ये 1400 RPM की मशीन है। 1 मिनट में इसका ड्रम स्पिनिंग के टाइम पे 1400 टाइम रोटेट होगा। स्टीम इसमें एडिशनल फीचर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है स्टीम। अब देखते हैं इसके डिटर्जेंट चैम्बर को। डिटर्जेंट चैम्बर में क्या क्या दिया हुआ है? डिटर्जेंट चैम्बर में आते हैं दोस्तों, तो ये दिया हुआ है आपका लिक्विड डिटर्जेंट के लिए। अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पर लिक्विड डिटर्जेंट डालें, अगर आप नॉर्मल डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप नॉर्मल डिटर्जेंट डाल सकते हैं। ये होता है प्री वॉश चैम्बर, ये है मेन वॉश चैम्बर, और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये है एडिटिव्स के लिए। जैसे आप नील लगाना चाह रहे हैं, वैनिश यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर बीच में डालेंगे उसके लिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ की वीडियो को शेयर करें। वो गज की दूरी है ज़रूरी दोस्तों, हाथ धोते रहिए, और हाँ मास्क लगाना ना भूलें। नमस्कार।